जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार, मीडिया डायरेक्टर, और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया पे। आज हम आए हैं रायपुर, जहाँ पर लगा है स्वदेशी मेला, जिसका पूरा पता है साइंस कॉलेज रायपुर में, जो कि 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक लगा हुआ है, जहाँ पर आपको लगभग सभी प्रकार के जो है सामान वस्तु यहाँ पर उपलब्ध आपको जो है मिल जाएगी। यदि हम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ बहुत ही अच्छा जो है मैनेजमेंट भी किया गया है। साथ ही आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं कि लगभग सभी प्रकार के जो है वस्तुएं आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर निशुल्क हेल्थ कैंप लगाया गया है सीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के द्वारा। और जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर उड़ीसा के जो है कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर का बहुत ही सुंदर जो है चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि एक बार आप जरूर विजिट करें स्वदेशी मेला साइंस कॉलेज रायपुर। यह सिर्फ 29 दिसंबर तक है। यहाँ पर आपको जो है सभी प्रकार के आपके मनपसंद जो है वस्तुएं मिल जाएगी। और मेरा आप सभी से एक बार पुनः अनुरोध है कि आप सभी जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आपके लगभग सभी प्रकार के जो है दैनिक उपयोगी की वस्तुएं जो है मिल जाएगी। और ये जैसे आप चेयर देख सकते हैं जो गोवा में रहता है समुद्र के पास, उस टाइप का, वाह बहुत सुंदर, वाह भाई क्या जबरदस्त कुर्सी है, वाह आनंद आ गया, वाह। तो आप सभी से अनुरोध है कि एक बार जरूर स्वदेशी मेला विजिट करें। धन्यवाद।
कटहल का अचार है बेटे, है ना, ये आंवले का अचार है, और ये है आम का खट्टा मीठा, और ये नींबू का खट्टा मीठा, और ये आम का खट्टा वाला। छत्तीसगढ़ी में का है? छत्तीसगढ़ में ऐसा है, खुरमी है, ये देखा चीज की करौंदा की, अभी करौंदा का अचार है, और ये थान भरुआ थान है, ये नहीं मिली कहीं, ये रे ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिली थी। कतका रुपया पूरा किलो? 100 रुपया पाव, और जीमी कांदा के था।
आपका स्वागत है। नमस्कार सर। मैं परिचय देते हुए यहाँ के जो आपके स्टॉल लगे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताइए। मैं श्रीमती स्मिता जैन, और जैसा कि स्वदेशी मेले में मैंने अपना स्टॉल लगाया है, जैसा कि स्वदेशी मेले का को लगाने का प्रमुख उद्देश्य ये रहता है कि मेड इन इंडिया बनाम स्वदेशी, तो वैसे ही मैंने अपना बिल्कुल स्वदेशी प्रोडक्ट यहाँ पर लगाया है, जिसको हम सौंठ गुड़ मेवा युक्त लड्डू के नाम से यहाँ पर सेल करते हैं। और हमारे अंडर में ऐसी 10 महिलाएं काम करती है जो कि ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, उनको हमने काम करने का एक जरिया दिया है ताकि वे भी कुछ कमाकर और अपने परिवार को बखूबी पाल सके और महिलाएं अपना सेल्फ डिपेंड हो सके, हमारा मेन उद्देश्य ये है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट है, इसमें सौंठ गुड़ और हर तरह के ड्राई फ्रूट्स डले हैं और कुछ ऐसी जड़ी बूटियां डली हैं जो कि हर किसी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। इससे हीमोग्लोबिन की कमी जो हो तो वो भी दूर हो जाएगी, और जिसको हाथ पैर और जॉइंट में पेन होते हैं उसके लिए भी बहुत कारगर है ये, और ठंड में इसको सभी को खाना चाहिए। जनरली ऐसा होता है कि महिलाएं खुद काम तो बहुत करती हैं, घर बाहर आज ऐसी कोई जगह नहीं है जहां महिलाएं अपनी भागीदारी नहीं दे रही हैं, लेकिन महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो ये प्रोडक्ट हमने इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि ताकि महिलाएं अगर एक लड्डू भी खाती है तो उनको दिन भर में जितनी कैलोरी और प्रोटीन मिलना चाहिए वो सारा एक लड्डू में उन्हें मिल सकता है। अच्छा, कितने साल से काम कर रहा है? मैं विगत 8 साल से ये काम कर रही हूँ, और स्वदेशी मेले में भी 8 साल से मैं यहाँ स्टॉल लगा रही हूँ, और काफी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, और यही मेरी बोलना चाहिए आगे बढ़ने का एक सबसे मिला जो मुझे प्यार और मोटिवेशन है, या मुझे काम करने पे और ज्यादा प्रोत्साहित करता है। मैं इस TGV मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कहते हैं ना कि बंद कमरे में काम करना वो लोगों तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हम महिलाएं जो आज इतनी मेहनत करके यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं और इस स्वदेशी मेले में जो कि सेल्फ डिपेंड महिलाएं हैं उनको आप लोगों तक पहुँचा रहे कि आज महिलाएं सिर्फ घर तक ही नहीं बल्कि बाहर भी बहुत कुछ कर रही हैं, तो मैं TGV मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो साथियों, ये थे स्मिता जैन मैम, जो महिला समूह का कार्य देखते हैं और पिछले 8 वर्ष से जो है निरंतर यहाँ सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। नमस्कार सर, TGV मीडिया में आपका स्वागत है सर। मैं अमर बंसल, मेला संयोजक, और यह जो स्वदेशी मेला है 20 वर्ष में 19वां वर्ष यह चल रहा है, 18 वर्ष पूरा करके। पिछले साल कोरोना के महामारी के चलते यह स्थगित रहा सरकारी निर्देशन के अनुसार, और अभी यह जो स्वदेशी मेला है इसकी विश्वसनीयता आप समझ सकते हैं, जो आज 19 साल इसकी जो जगह थी BTI ग्राउंड में छोटी सी जगह थी, इसको कम से कम 3 गुना अभी बढ़ चुका है, और इसकी जो स्टॉल है स्वदेशी वस्तु के साथ वोकल फॉर लोकल के अनुरूप सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और वैसे ही जो आज स्वदेशी एक महामंत्र बन चुका है, उस महामंत्र के तहत आज शहर पूरा शहर यहाँ उमड़ पड़ा है, और यह आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन के अंतर्गत हर दिन हर प्रांत के लोग, जैसे कल था उड़ीसा, आज बंगाल के लोग हैं, कल महाराष्ट्र के लोग रहेंगे, परसों राजस्थान के लोग रहेंगे, और आंध्रा, इसी तरह 7 दिन में समरसता भाव के लिए हमने यहाँ पे उनकी सहभागिता की है। और जिस प्रकार का यहाँ पे माहौल दिख रहा है, आज करीब करीब 250 यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, और मिट्टी से बने हुए यहाँ के जिस प्रकार जो भी साधन उपलब्ध होता है अपनी छत्तीसगढ़ की धरा पर, उसको हरेक लोगों ने उसका कुछ न कुछ आकार दिया है। उस आकार के तहत आज जिस मैदान में देख रहे होंगे किस प्रकार लोगों ने ट्रक भर भर के आ रहे हैं, और JCB और जो उठाने की जो मशीन है उसके अंतर्गत ही उठाया जा रहा है, और आप देख रहे होंगे कितना उत्साह लोगों में है जो यहाँ पे अपने आप को 7 दिन के लिए यहाँ लोगों के सामने हैं, और आने वाला समय भी। मैं यही कहूँगा कि देश की जो महामंत्र है स्वदेशी, क्योंकि स्वदेश जागरण के लिए, स्वदेश में स्वदेशी जागरण के लिए, स्वदेशी वस्तु जागरण के लिए यह कार्यक्रम किया गया है,
क्योंकि हम देखेंगे भी स्वदेशी, बोलेंगे भी स्वदेशी, सुनेंगे भी स्वदेशी के तहत आज हमारी इस धरती से पूरा अंतिम क्षेत्र तक यह हमारा आह्वान है कि हम अपने लोगों के बीच में हम आदान प्रदान करें। जो चाइना का जो सामान था, बोलते हैं जब तक चल जाए तब तक गाड़ी, नहीं तो कवाड़ी, ऐसी इस बात को हम चिरथार्थ होते देख रहे हैं। लोगों में चाइना का सामान का विश्वास घटता जा रहा है और हमारी स्वदेशी वस्तु का विश्वास बढ़ते जा रहा है। यही विश्वास बढ़ते रहे और यही क्रम चलते रहे, इसके लिए ये व्यवस्था और यह मेला का गति बनी हुई है। पिछले वर्षों से इस बार क्या कुछ खास है, कुछ स्पेशल जो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं? लोगों की आकर्षित है, मतलब देखिए जैसे मट्टी का जो काली वाली जो है, और आपको ये गोबर का, आप देखिए उनके गोबर के पॉट ऐसे आ रहे हैं जो आपने देखा होगा कि घर में पहले हम गोबर को लिपाई करते थे, लेकिन आज का घर जो इस टाइप का बन गया है, पक्के मकान बन गए हैं, तो गोबर का संपर्क से हम छूट जाते थे। तो अभी जो है ना, गोबर का जो गमले वगैरह इतना सारे बन के आए हैं, और उस गोबर जो गाय दूध नहीं देती, उस गाय का मल मूत्र आज हमारे शरीर के लिए कितना लाभकारी है, यह इस मेला में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि उसका मूत्र का सेंट भी बन सकता है, दवा भी बन सकता है, नाक में सूंघ देने से नाक की जितनी भी बीमारियां हट सकते हैं, उसकी छोटी सी जो बनाई गई गोबर से, उसका अगर हम उसका सेवन करते हैं तो पेट का जितनी बीमारी है वो खत्म हो सकती है। आप आके देखेंगे तो समझ में आएगा कि गोबर और मलमूत्र कितना हमारे लाभदायक है, और अपने को आने वाला समय में गो के प्रति जिस प्रकार का हमारा है कि गौ जो है अपने आप चलते रहती है, खाली दूध देने वाली ऐसा नहीं है, वो बहुमुखी हमारी चिकित्सा का एक केंद्र है और वो हमारी माँ है। तो माँ का मतलब जो रोल है उसका अंतिम ची मतलब कण कण भी हमारे लिए लाभदायक है, वो आप इस मेले में देखने को मिलेगा। और कार्यक्रम की बात करें सर, किस टाइप का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है यहाँ पर? कार्यक्रम है, देखिए आप देख रहे होंगे बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों का, जो 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, जो बात करने में भी थोड़ा सा तोतलापन रहता है, उन बच्चों का हमने प्रतिभा का मंच दिया है। जो महापुरुषों का, हमारे आस्था के देवी देवताओं का, हमारे जो कोई ऐसा वीर पुरुष के रूप में अपने आप को सजा करके कुछ बोलने की, कुछ प्रतिभा को दिखाने की, उनकी क्षमता दक्षता को हम देख पा रहे हैं। ऐसे ही ड्राइंग का कंपटीशन होता है, ऐसे ही फैंसी ड्रेस का कंपटीशन होता है, ऐसे ही गायन का कंपटीशन होता है, ऐसे ही नृत्य का कंपटीशन होता है, और सब में केवल केवल हमको स्वदेशी का हमको उसकी सुगंध आती है। अच्छा, अगर कार्यक्रम का बात किया जाए स्वदेशी का, तो इसका मुख्य उद्देश्य आपके? मुख्य उद्देश्य यह है कि यह स्वदेशी जो है ना, अंतरात्मा से हम देश की, जो अभी हमने कोरोना महामारी में देखा कि कुछ भी हो, अंतिम में हमारे पास वाला ही सब कुछ काम आया। क्योंकि देखें तो श्वास ही सब कुछ था उसमें, और वो ही उसकी कमी हो गई थी, और हमने देखा कि यहाँ पे कहीं सैकड़ों मील के, सैकड़ों किलोमीटर से वहाँ मंगाना पड़ता था। आज अब जिस प्रकार का मतलब वैक्सीन की बात करें, तो स्वदेशी वैक्सीन आज पूरा हमारे देश नहीं, पूरा विश्व में हमारा आज डंका बन रहा है, बज रहा है। तो ऐसे हमारे स्वदेशी को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति का अंतरात्मा से ये आवाज़ निकले कि मैं और मेरा देश का जो भी हम यूज करेंगे, हम केवल स्वदेशी करेंगे, और ग्लोबल इंडिया में भी हम अपना भारत का चीज़ को भेजने की कोशिश करेंगे। और जिस प्रकार आप लोगों ने यह जो मेला का, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और आप जो TGV मीडिया है, आप यहाँ आकर के जो सेतु का काम कर रहे हैं, स्वदेशी और अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा रहे हैं, इसीलिए TGV मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह आप जो सकारात्मक न्यूज को अंतिम तक पहुंचा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साथियों ये थे बंसल सर, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी है हमें स्वदेशी मेला के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।